कटनी में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जन जागरूकता रैली निकाली गई, साथ ही संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय द्वारा रेड रिबन क्लब समिति, राष्ट्रीय सेवा योजना NCC और क्रीड़ा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार थीम पर संगोष्ठी कर जागरूक किया। एड्स के प्रति हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और इसके प्रति हम जितनी जानकारी रखेंगे उतने ही हम सुरक्षित रहेंगे। आज की युवा पीढ़ी जो विभिन्न प्रकार के व्यसनों में उलझी हुई है, उसके कारण यह एड्स का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और युवा पीढ़ी को अपनी सभ्यता और संस्कृति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे 4 आश्रम बताए गए हैं, उन 4 आश्रमों का ध्यान रखते हुए यदि हम अनुशासित जीवन व्यतीत करेंगे तो एड्स जैसे रोग से बच सकते हैं। एड्स हमें निरंतर यह बताता है कि जीवन में अनुशासित रह करके ही हमें अपने कार्यों को संपन्न करना है, और यदि एड्स हो भी जाता है तो हमें अपने निकट के हॉस्पिटल में जा करके पूरी जानकारी लेनी चाहिए, चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि यह ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें हम अगर उनसे परामर्श लें तो हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। एड्स एक घातक बीमारी है, हमें इससे बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए और अगर किसी को ये बीमारी हो भी जाती है तो हमें अपने हॉस्पिटल में पास के नज़दीकी सुविधाजनक हॉस्पिटल में जाकर इसका अच्छे से अच्छा इलाज करवाना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस दिवस को अच्छे से मनाएं, सभी को जागरूक करें और हमें इस विषय पर खुल के बात करनी चाहिए, गुप्त रूप से नहीं रखना चाहिए और जो भी इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें हमें जानकारी देना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनसे घृणा नहीं करना चाहिए। हम क्योंकि जो आगे वाली युवा पीढ़ी आने वाली है वही हमारे देश का भविष्य है, तो हमको ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखें और ज्ञान मतलब सभी को इस बारे में ज्ञान हो।